दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी में बेबी कैसे होते हैं? क्या इसमें किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चे को बनाया जाता है, या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF की जरूरत पड़ती ही क्यों है? और इसमें आखिर मेल और फीमेल के कांटेक्ट में आए बिना ही बच्चा पैदा कैसे कर लिया जाता है? और इस टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF की जरूरत पड़ती ही कब और क्यों है? टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर ना जाने ऐसे कितने सवाल है जो आजकल काफी लोगों के मन में आते हैं, लेकिन उन्हें इन सभी सवालों के जवाब कहीं नहीं मिल पाते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी में बेबीज कैसे होते हैं और इसमें कितना खर्चा आता है, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। वीडियो के आखिरी में हम आपको बताएंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF में कितना खर्चा आता है। दोस्तों, टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF क्या होता है, ये जानना आज हर युवा के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज के समय में फर्टिलिटी रेट काफी घटता जा रहा है और जिसकी वजह से कई परिवार आज बच्चों की गिलकारी सुनने को तरस रहे हैं। और ऐसे दंपतियों के लिए IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी किसी वरदान से कम नहीं है। ये टेक्नोलॉजी महिलाओं के लिए एक ऐसी दुआ की तरह है जो नेचुरल तरीके से बच्चे को जन्म देने में असमर्थ होती है। दोस्तों, चाहे इसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता हो, लेकिन इसमें बच्चे का विकास किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं होता है, बल्कि पूरी तरह से नेचुरल तरीके से ही माँ के गर्भ में ही होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टेस्ट ट्यूब बेबी और IVF ये दोनों ही एक ही होती है और इनमें किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं है, क्योंकि अक्सर हमें IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे वर्ड सुनने को मिलते रहते हैं और इस वजह से कई लोगों को यही लगता है कि ये दोनों ही अलग अलग होते हैं, सिर्फ इनका नाम ही अलग अलग है। दोस्तों, टेस्ट ट्यूब बेबी मेथड एक ऐसा आधुनिक मेथड है जिसके द्वारा महिला की ओवरी से एग को अलग करके पुरुष के स्पर्म के साथ उसे आधुनिक लैब में फर्टिलाइज किया जाता है, और इसके बाद जब भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो तैयार हो जाता है तो फिर इसे महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और इसी प्रोसेस को IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। लेकिन अब एक सवाल आता है कि किन किन सिचुएशन में IVF की जरूरत पड़ सकती है। बता दूं कि जो महिला इनफर्टिलिटी जैसी समस्या से जूझ रही हैं, तो ये IVF टेक्नोलॉजी उनके लिए काफी कारगर साबित हो सकती है। टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी उन दंपतियों के लिए बेहद कारगर है जिनकी फिलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज की वजह से या फिर किसी और वजह से संतान प्राप्ति में दिक्कतें आ रही हैं। ऑवुलेशन की परेशानी होने पर महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती है, और ऐसे में IVF की मदद से ऑवुलेशन की समस्या को दूर किया जा सकता है और उस महिला को गर्भधारण कराया जा सकता है। ऐसी अगर किसी महिला की यूट्रस में कोई समस्या है या फिर उसका आकार सही नहीं है, तो ऐसे में भी टेस्ट ट्यूब बेबी IVF पद्धति की मदद से इस समस्या को दूर किया जा सकता है। महिलाओं के यूट्रस में रसोल यानी कि न्यू प्लाज्मा होने की वजह से महिलाओं को बांझपन जैसी समस्या हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF की मदद से इस समस्या को दूर किया जा सकता है और संतान सुख पाया जा सकता है। और इन सभी समस्याओं के अलावा अगर मेल में भी इनफर्टिलिटी के कोई लक्षण हैं, जैसे कि स्पर्म का आकार खराब होना या स्पर्म की संख्या में कमी या फिर उनकी गति में भी कमी होने की वजह से इनफर्टिलिटी जैसी समस्या हो जाती है, तो IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए समस्या को भी रिसॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों, हम आगे IVF के बारे में और भी डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि नॉर्मल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है। फीमेल की बॉडी में हर महीने ओवरी से एग रिलीज होते हैं और ओवरी से रिलीज होने के बाद ये फिलोपियन ट्यूब में जमा हो जाते हैं, और जब मेल और फीमेल आपस में फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो मेल के स्पर्म फीमेल की वजाइना में रिलीज हो जाते हैं और फिर ये स्पर्म यहाँ से फिलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाते हैं और फिर ये एग में एंटर हो जाते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और अब ये फर्टिलाइज्ड एग फिलोपियन ट्यूब से होता हुआ यूट्रस में आ जाता है, और जिसके बाद ये भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो में बदलना शुरू हो जाता है। ये फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस में पहुंचने के बाद कई सारे सेल्स में बढ़ जाता है। बॉल्डम अंडे को ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है, और फिर ये बॉल प्रेगनेंसी हार्मोन SCG रिलीज करता है, और ये प्रेगनेंसी हार्मोन ओवरीज को और भी नए अंडे रिलीज ना करने के इंस्ट्रक्शन देता है, और ये प्रोसेस प्रेगनेंसी के तीसरे हफ्ते तक पूरी होती है। और जब ये हार्मोन माँ के ब्लड और यूरिन में मिल जाता है, तो उसके बाद ही ब्लड या यूरिन टेस्ट से प्रेगनेंसी का पता चलता है। तो चलिए अब आपको वापस बताते हैं कि IVF की पूरी प्रोसेस कैसे होती है। दोस्तों, महिला की बॉडी से महीने में एक बार ही एग रिलीज होता है, लेकिन IVF के लिए ज्यादा एग की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में उस महिला के शरीर में एग की मात्रा बढ़ाने के लिए उसे कुछ फर्टिलिटी ड्रग दिए जाते हैं, और इसे यूट्रस सामान्य से ज्यादा एग रिलीज करता है। और इसके बाद इन अंडों को एक छोटे से ऑपरेशन के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। वजाइना के माध्यम से यूट्रस में एक बहुत पतली सुई डाली जाती है। इस सुई से एक डिवाइस जुड़ी होती है जिससे मैच्योर एग बाहर निकल आते हैं। अब इकट्ठे किए गए एग को मेल के स्पर्म के साथ एक एनवायरमेंटली कंट्रोल चैम्बर में रखा जाता है, और फिर कुछ घंटों के बाद ही स्पर्म एग में एंटर कर जाते हैं, और कभी कभी सीधे स्पर्म को एग में इंजेक्ट किया जाता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद एग और स्पर्म मिलकर भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो बन जाता है। बता दूं कि इस एम्ब्रियो ट्रांसफर की प्रोसेस में कभी कभी गर्भ में एक से ज्यादा एम्ब्रियो रखे जाते हैं, जिससे अगर एक एम्ब्रियो फेल हो जाता है तो दूसरा एक्टिव हो सके, और यही वजह है कि IVF प्रोसेस में जुड़वा बच्चे होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। और इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर एक पतली ट्यूब के जरिए किया जाता है, लेकिन पहले इस एम्ब्रियो को डॉक्टर्स द्वारा चेक किया जाता है, और फिर इस एम्ब्रियो को योनि के माध्यम से यूट्रस में डाला जाता है। और जब ये एम्ब्रियो गर्भ की सतह पर चिपक जाता है, तो फिर एक स्वस्थ भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो का विकास शुरू हो सकता है,
और इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर करने के 10 से 12 दिन के बाद यूरिन टेस्ट के जरिए प्रेगनेंसी का पता चल सकता है। दोस्तों वैसे लोगों का यही मानना होता है कि IVF एक बेहद महंगा प्रोसेस होता है। इस IVF ट्रीटमेंट की कीमत अलग अलग हॉस्पिटल या क्लिनिक में अलग अलग होती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। तो जाहिर सी बात है कि IVF ट्रीटमेंट में फैसिलिटी का खर्चा भी जुड़ता है। दोस्तों अगर कोई कपल IVF ट्रीटमेंट लेना चाहता है तो इसकी कम से कम कीमत 1,00,000 रुपए से लेकर 1,50,000 रुपए के बीच होती है, लेकिन इस कीमत को चुकाने के बाद आपको जो खुशी मिलती है वो अनमोल होती है। तो अब आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि IVF या टेस्टी बेबी कैसे होते हैं। दोस्तों आजकल प्रोफेशनल लाइफ की वजह से ज्यादा उम्र में शादी करना, देर से फैमिली प्लानिंग करना, अपने खान पान पर ठीक तरह से ध्यान न देना, हाइजीन की कमी, पॉल्यूशन, जॉब का स्ट्रेस और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज यानी कि बच्चेदानी के आसपास सूजन, जबकि पुरुषों में स्पर्म डिफेक्ट और स्पर्म काउंट कम होना, इन सभी कारणों की वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन IVF की मदद से आपको इस अभिशाप से मुक्ति मिल सकती है, और जो किसी वरदान से कम नहीं है। तो आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। तो दोस्तों अभी इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।